जिंदाबाद, जोशी जी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी का परिसर में आगमन हुआ है, करतल ध्वनि से स्वागत करिए। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा अंग वस्त्र पहना के स्वागत और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री अब तीनों परिसर का अवलोकन करेंगे और एक पूजन में शामिल होंगे। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। जेपी नड्डा, जेपी नड्डा। भारत माता की, भारत माता की। प्रधानमंत्री जी का परिसर में प्रवेश। इस परिसर में इस हॉल के अलावा दो कॉन्फ्रेंस हॉल्स और हैं। हमारे सबसे वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष माननीय मुरली मनोहर जोशी जी का आगमन हुआ है, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। साथ में पूर्व अध्यक्ष और परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी का भी करतल ध्वनि से स्वागत करिए। बीजेपी, बीजेपी, बीजेपी। जोशी जी, जोशी जी। नितिन गडकरी, नितिन गडकरी। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे। पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी का स्वागत है, करतल ध्वनि से उनका स्वागत करिए। अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की। वंदे, वंदे। माननीय प्रधानमंत्री जी का परिसर में आगमन हो चुका है। राष्ट्रीय कार्यालय के एक्सटेंशन के लोकार्पण समारोह के हम सब साक्षी बन रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव का क्षण है। इस परिसर में, इस बिल्डिंग भवन में तीन परिसर हैं। एक ये परिसर है जहां आप सब विराजमान हैं, दो कॉन्फ्रेंस हॉल इस परिसर में हैं, इसके आगे एक आवासीय परिसर है और एक परिसर में रिसर्च विंग है, नीति शोध परिसर है वो। तो ये हमारी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, संगठन आधारित पार्टी का केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण कार्यक्रम है। और हम केवल एक राजनीतिक दल ही नहीं है, हम सामाजिक सरोकारों को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। गरीब कल्याण और समृद्ध समावेशी भारत के निर्माण के लिए संकल्पबद्ध माननीय प्रधानमंत्री जी
कुछ ही समय में हमारे बीच में आने वाले हैं। यहाँ उपस्थित हमारे वरिष्ठ गण स्टेज पर विराजमान हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस परिसर के पूजन के लिए, क्योंकि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, कल शाम को 6:30 बजे से आज 1 बजे तक विभिन्न हवन और पूजन के कार्यक्रम रखे गए। सबसे पहले गणपति हवन हुआ, उसके पश्चात वास्तु का हवन हुआ, नवग्रह हवन किया गया, इंद्र विजयी हवन का हवन किया गया, चंद्रिका हवन हुआ और श्री सत्यनारायण पूजन, कथा पूजन और हवन का काम यहाँ हुआ है। और उसके पश्चात आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम, केंद्रीय कार्यालय विस्तार के लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ रखा है। पूजन के पश्चात भोजन प्रसाद हो जाता है, तो आप सभी से आग्रह है कि कार्यक्रम के पश्चात भोजन प्राप्त करके अवश्य यहाँ से जाएं, क्योंकि वो प्रसाद है। हमारे राजस्थान में प्रसादी कहते हैं कि अगर आप इस तरह के किसी कार्यक्रम के साक्षी हुए हैं, प्रसादी ग्रहण नहीं की तो कार्यक्रम में आना आपका नहीं माना जाता है। तो आप सभी से आग्रह है कि भोजन प्राप्त करके अवश्य यहाँ से पधारें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। यहाँ उपस्थित सभी कार्यकर्ता बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। आज एक ऐतिहासिक पल के साक्षी होने का गौरव हम सबको मिल रहा है। विश्व के सबसे बड़े नेता, युग पुरुष, परम सम्माननीय मोदी जी द्वारा केंद्रीय कार्यालय के विस्तार का लोकार्पण कार्यक्रम यहाँ पर होगा और हम सबको इस कार्यक्रम का साक्षी होने का, उन्हें सुनने का मौका मिलेगा। और दिल्ली प्रदेश के कार्यकर्ताओं के द्वारा पिछले 7 दिन से बहुत मेहनत के साथ इस कार्यक्रम के लिए सहयोग दिया गया है और अभी भी काफ़ी लोग यहाँ खड़े हैं। आप सभी से यही निवेदन करना चाहूँगी कि दरवाज़ा छोड़ के थोड़ा सा हम पीछे हो जाएं ताकि आगंतुकों को परेशानी नहीं हो। अतिथि बहुत दूर दूर से आए हैं, यहाँ सांसदगण हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यगण हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, पार्लियामेंट्री बोर्ड के समस्त सदस्यगण यहाँ उपस्थित हैं और कार्यकर्ता बंधु यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी का इस ऐतिहासिक पल में स्वागत है, अभिनंदन है। नमो ऐप के एक फीचर का प्रस्तुतीकरण अभी यहाँ पर हुआ है। मैं आग्रह करना चाहूँगी कि उसके बारे में हम सब लोग उस फीचर को उपयोग में लें। नमो ऐप एक बहुत बड़ा पोर्टल है जिससे हमें सरकार की योजनाओं की जानकारी, नवाचार और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सब का कर्तव्य है कि हम अपनी पार्टी का विस्तार करें और केंद्र की योजनाओं को
उस जन तक लेके जाएं जिसके लिए वो योजनाएं बनी हैं। सर्व समावेशी विकास में और गरीब कल्याण के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जी निरंतर काम कर रहे हैं और वैश्विक नेता के रूप में विश्व में अपनी छवि, देश की छवि सुधारने का काम उन्होंने किया है। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते ये कर्तव्य हम सबका है कि हम उन योजनाओं की जानकारी लें, उन योजनाओं के बारे में अध्ययन करें और उसे उस वंचित तक पहुंचाएं जिसके लिए वो योजनाएं बनी हैं। महिला होने के नाते बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूं कि 11 महिला मंत्री पहली बार किसी सरकार में हैं और यहाँ माननीय निर्मला जी बैठी हैं, वित्त मंत्री हैं, स्मृति जी बैठी हैं। ये निश्चित रूप से गौरव देने वाली बात है उस आधी आबादी को जो अभी तक विकास की अवधारणा से दूर थी। मीनाक्षी जी बैठी हुई हैं, आप सभी को निश्चित रूप से सर्व समावेशी और उस आधी आबादी को आगे बढ़ने का काम, उस आधी आबादी को विकास की अवधारणा के साथ जोड़ने का काम माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है। तो कार्यकर्ता होने के नाते ये हम सब का कर्तव्य है कि हम छोटे छोटे ग्रुप्स में व्हाट्सएप को काम में लें। माननीय मोदी जी परिसर के अवलोकन के साथ साथ यहाँ जो कामगार हैं, जो जिन्होंने अपना पसीना बहाया है इस परिसर के निर्माण या किसी भी तरह से सहयोगी रहे हैं, उनको सम्मान देने का काम, उनसे संवाद करने का काम निरंतर माननीय मोदी जी प्रधान सेवक के रूप में करते हैं। हम सबको गर्व है कि ऐसे वैश्विक नेता हमारे साथ हैं जिन्होंने उस छोटे से छोटे व्यक्ति से लेकर देश को का विश्व में परचम लहराने तक का काम किया है। एक बार करतल ध्वनि से उस युग पुरुष के इस पुनीत काम के लिए हम सब भी अपनी तरफ से सहभागी बने। माननीय प्रधानमंत्री कामगारों के साथ वोटों खिंचाकर निश्चित रूप से उनको सम्मान देने का काम है, उनकी मेहनत को पहचानने का, और उनके बीच में जाकर जनता के प्रधानमंत्री हैं। ये पहली बार भारत में हुआ है कि एक ऐसा प्रधानमंत्री जो आम जन के साथ अपना जुड़ाव रखता है और जो आम जन के लिए योजनाएं लेकर आता है, न भूतो न भविष्यति। हम सबको गर्व है कि ऐसा वैश्विक नेता हमारी अगुवाई कर रहा है। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम निरंतर वो सारे काम करने का प्रयास करें जिसके लिए पार्टी की तरफ से आपके पास आता है या केंद्र की योजनाओं को आगे ले जाने की बात आती है। माननीय प्रधानमंत्री जी परिसर का अवलोकन कर रहे हैं। साथ में राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी हैं। बहुत सुंदर परिसर का निर्माण है, ये एक सभागार है। इस परिसर में दो छोटे कॉन्फ्रेंस हॉल्स भी हैं जो आगे जाकर हम सब की कार्यप्रणाली और कामों के लिए काम आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी एक परिसर का बटन दबाकर लोकार्पण कर रहे हैं। क्योंकि हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, बड़ों का सम्मान और
पूजन हमारी परंपरा का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, जेपी नड्डा, भाजपा, बीजेपी, बीजेपी। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूजन किया जा रहा है नीचे, क्योंकि किसी भी शुभ काम के शुरुआत से पहले पूजन हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजन का आयोजन हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, और किसी भी शुभ काम से पहले पूजन की परंपरा हमारे यहाँ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आरती और पूजन किया गया है। विधिवत पूजन और आरती। अंगवस्त्र के द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत और पंडित जी के द्वारा संस्कृत हमारी संस्कृति के अनुरूप उन्हें भेंट दी गई है। जो भी किसी भी शुभ काम से पहले हम सब जानते हैं कि इस तरह का आयोजन हम करते हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दीनदयाल जी और हमारे श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के स्टैचू पर पुष्प चढ़ाया गया। वो लोग जिन्होंने हमें विचार दिया, जिन्होंने हमें अंत्योदय की अवधारणा दी, वो जिन्होंने कश्मीर भारत का अभिन्न अंग माना,
हमारे युग पुरुष दीनदयाल जी और श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी के स्टैचू पर पुष्प अर्पित कर अपनी श्रद्धा सुमन उन्होंने अर्पित किए। अब परिसर का अवलोकन के लिए आगे बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी और कुछ ही समय में हमारे बीच उपस्थित होंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद। कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे बीच में आने वाले हैं। आप सभी से आग्रह है कि जब वो सभागृह में पधारें, खड़े होकर करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। परिसर में आने के पश्चात सबसे पहले हमारी संस्कृति के अनुरूप पूजन किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसके बाद हमारी पार्टी को विचार देने वाले हमारे दो युग पुरुष माननीय दीनदयाल जी और माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बस्ट पर उन्होंने पुष्प अर्पित किए। और अब परिसर के अवलोकन के पश्चात कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नड्डा जी हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। और आज हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है कि इस केंद्रीय कार्यालय के विस्तार के लोकार्पण समारोह का हम सब साक्षी बनेंगे। हम साक्षी बनेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन का। निश्चित रूप से ये ऐतिहासिक पल है और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि हमें इस कार्यक्रम का हिस्सा होने का मौका मिला। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, बीजेपी बीजेपी। सारे सांसद, सारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, मुरली मनोहर जोशी जी जिंदाबाद, मुरली मनोहर जोशी जी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जी जिंदाबाद, नितिन गडकरी जिंदाबाद, सारे कार्यकर्ता जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, मातरम मातरम, मातरम मातरम, भारत माता की।
परिसर के अवलोकन के पश्चात कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा। आप सब जो यहाँ कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हैं, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी के आगमन पर खड़े होकर करतल ध्वनि से उस युग पुरुष का, जो देश को आगे ले जाने के लिए कृतकृत संकल्प है और जो विश्व में भारत का परचम लहरा रहा है। आज भारत क्या कहता है ये बहुत ध्यान से सुना जाता है, तो भारत आज दर्शक से आगे बढ़कर विश्व गुरु की ओर जा रहा है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहूँगी आप सभी से कि परम सम्माननीय प्रधानमंत्री जी और सम्माननीय नड्डा जी के आगमन पर खड़े होकर करतल ध्वनि से स्वागत करें उनका, जो ना केवल हमें भारतीय जनता पार्टी होने का गौरव प्रदान का कार्यकर्ता होने का गौरव प्रदान करते हैं, बल्कि विश्व में भारत की पहचान है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही पलों में हमारे बीच उपस्थित होने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की, मोदी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद। भारत माता की, मैं मंचासीन, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। मैं मंचासीन सभी वरिष्ठ गणों से माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगी दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत करें। शबाना रहमान गायन करेंगी, आप सभी से आग्रह है खड़े होकर वंदे मातरम का गायन करें। वंदे मातरम
सुफलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य श्यामलां मातरम् वंदे मातरम् शुभ्र ज्योत्सा पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिनी सुखदाम वरदाम मातरम् वंदे मातरम् वंदे मातरम्। भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। जैसा कि हमारी संस्कृति में है, हम वरिष्ठ जनों का सम्मान करते हैं किसी भी शुभ कार्यक्रम में। माननीय प्रधानमंत्री जी के, युग पुरुष प्रधानमंत्री जी के सम्मान के लिए विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी से आग्रह करूंगी कि वो अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर माननीय प्रधानमंत्री जी का सम्मान करें। करतल ध्वनि से स्वागत करिए। दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी से आग्रह है कि हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी का स्वागत करें अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर। हमारे पूर्व अध्यक्ष और पूर्व मंत्री वयोवृद्ध नेता मुरली मनोहर जोशी जी के स्वागत के लिए प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा जी से आग्रह करूंगी कि अंग वस्त्र और पुष्प गुच्छ देकर माननीय मुरली मनोहर जी का स्वागत करें। करतल ध्वनि से स्वागत करिए हमारे वरिष्ठ गणों का। राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान गृह मंत्री जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत के स्वप्न को साकार किया है माननीय अमित शाह जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी जय प्रकाश जी को, जो पूर्व मेयर हैं दिल्ली के। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान परिवहन मंत्री जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल पूरे देश में बिछा दिया है माननीय नितिन गडकरी जी के स्वागत के लिए मैं आग्रह करूंगी प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव बब्बर जी से। विकासवाद को सेंटर में लाने वाले और देश के विकास की अवधारणा को नई परिभाषा देने वाले सर्वसमावेशी समृद्ध भारत के निर्माण को संकल्पबद्ध माननीय युग पुरुष वैश्विक नेता मोदी जी से आग्रह करूंगी, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि केंद्रीय कार्यालय विस्तार का डिजिटली लोकार्पण करें। Yes, we are.
करतल ध्वनि, तालियां बजाकर स्वागत करिए इस ऐतिहासिक पल का। केंद्रीय कार्यालय विस्तार के पर एक फिल्म का प्रस्तुतीकरण है 5 मिनट की, उस फिल्म का अभी प्रस्तुतीकरण चालू है। आज हम सब बल्कि सहभागी हैं उस ऐतिहासिक पल के। तब एक छोटी फिल्म है और विचारों का संग्रह। पार्टी की यात्रा में कितने ही कठिन पड़ाव आए, संघर्ष का दौर चला, किंतु पार्टी से जुड़े हर व्यक्ति ने, हर कार्यकर्ता ने चुनौती को अवसर मानकर कार्य किया और जनता का विश्वास हासिल किया है। आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है और पार्टी की जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं। ऐसे में इन जिम्मेदारियों के निर्वहन के लिए भाजपा का अपना केंद्रीय कार्यालय परिसर जरूरी था। इसी विचार के साथ पार्टी ने 2016 में अत्याधुनिक स्टेट ऑफ द आर्ट कार्यालय की परिकल्पना की। 18 अगस्त 2016 को दिल्ली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर नए भाजपा केंद्रीय कार्यालय की आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की गरिमामय उपस्थिति में रखी गयी। अपने उद्देश्य को तय समय सीमा के तहत पूर्ण कर लेना भारतीय जनता पार्टी की कार्यप्रणाली का हिस्सा रहा है और पार्टी ने 18 फरवरी 2018 को भाजपा के अपने केंद्रीय कार्यालय परिसर का लोकार्पण कर इसको सिद्ध भी कर दिया। उसके बाद से कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भाजपा का जनाधार लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए पार्टी को केंद्रीय कार्यालय का विस्तार करने की आवश्यकता महसूस हुई। भाजपा के केंद्रीय कार्यालय पार्टी के संस्कारों और संकल्पों की नींव है और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व कार्यकर्ताओं के मार्गदर्शन के साथ साथ समय समय पर उन्हें प्रशिक्षण व आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर रहता है। इसी श्रृंखला में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय विस्तार की आधारशिला रखी गई। भाजपा केंद्रीय कार्यालय विस्तार का विशाल परिसर नई दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर भाजपा केंद्रीय कार्यालय के पास ही है। यह परिसर लगभग 2.5 एकड़ भूभाग पर फैला है। इसमें 7 मंजिल के 2 भवन और एक हाईटेक सभागार का निर्माण किया गया है। भवन के डिजाइन में इस बात का विशेष ख्याल रखा गया है कि प्रत्येक तल पर सूर्य की रोशनी व प्राकृतिक वायु प्रचुर मात्रा में पहुंच सके। इसके अलावा पूरी इमारत में सुरक्षा के मापदंडों का भी पूरा ख्याल रखा गया है। पूरे परिसर का निर्माण पर्यावरण अनुकूल मानकों को ध्यान में रखते हुए किया गया है और इस विस्तार कार्यालय परिसर में भी भाजपा केंद्रीय कार्यालय परिसर की तरह ही सामाजिक व धार्मिक महत्व के प्राकृतिक पौधे एक उद्यान में लगाए जा रहे हैं, जिसमें रेशम, अमलतास, बकायन, पारनाग और पीपल जैसे पेड़ पौधे शामिल हैं। जब हम भारतीय जनता पार्टी विस्तार कार्यालय में प्रवेश करते हैं तो बाईं ओर ये भवन अनुसंधान केंद्र है, जिसके भूतल पर कार्यकर्ताओं एवं भाजपा कर्मियों के लिए कैंटीन की व्यवस्था है। कैंटीन में 42 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। भवन के प्रथम तल पर 32 सीटों की क्षमता का अनुसंधान कक्ष है। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस हॉल और रिसर्च से जुड़े पदाधिकारियों के लिए एक कैबिन बनाया गया है। इसी तरह भवन की 7 मंजिलें विभिन्न अनुसंधान कार्यों के लिए आरक्षित हैं। परिसर में ही आगे ये दूसरा भवन आवासीय है। इसके भूतल पर रिसेप्शन, कैंटीन, लाउंज और जिम जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। प्रथम तल से लेकर ऊपरी मंजिलों तक संगठन के चिन्हित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के ठहरने की व्यवस्था है।
प्रवेश द्वार के दाईं ओर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा स्थापित की गई है और प्रतिमा के बगल में एक दिव्य व भव्य भवन का निर्माण किया गया है। भवन में 3 हाईटेक प्रशिक्षण हॉल्स व 1 मल्टीपर्पज सभागार का निर्माण किया गया है। हॉल 1 और हॉल 2 में 72-72 लोगों के बैठने की व्यवस्था है और हॉल 3 में 96 कार्यकर्ताओं के बैठने की क्षमता है। इनका उपयोग मूलतः प्रशिक्षण व बैठकों के लिए किया जाना है। प्रथम तल पर विशाल मल्टीपर्पज सभागार हॉल नंबर 4 है। इसमें 756 कार्यकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था है। इसकी विशेषता यह है कि यहाँ दोपहर में प्राकृतिक प्रकाश की प्रचुरता रहती है। इसके साथ ही परिसर में 2 भूमिगत पार्किंग की भी व्यवस्था है। भाजपा के केंद्रीय एवं विस्तार कार्यालय केवल इमारत नहीं अपितु करोड़ों पार्टी कार्यकर्ताओं की आशा आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने वाले केंद्र है, जहां अंत्योदय के सपने को साकार करने के लिए अथक परिश्रम करने की ऊर्जा का संचरण होता है और नए भारत के संकल्पों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की प्रेरणा मिलती है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की अध्यक्षता में इस विस्तार कार्यालय का लोकार्पण किया जा रहा है। इसकी सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भारत माता की। अभी इस सुंदर प्रस्तुतिकरण को आपने देखा। इस परिसर में 3 परिसर हैं और हम जिस सनातन संस्कृति को मानने वाले हैं, इस परिसर के उद्घाटन से लोकार्पण से पूर्व यहाँ यज्ञ और हवन का आयोजन भी किया गया। सबसे पहले कल शाम को 6:30 बजे से लेकर आज दोपहर 1 बजे तक हमारी संस्कृति के अनुरूप हवन और पूजन इन परिसर में किया गया। गणपति हवन से शुरुआत हुई, वास्तु हवन हुआ, नवग्रह हवन हुआ, इंद्र विजयी हवन, चंद्रिका हवन और फिर श्री सत्यनारायण पूजा और हवन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है। और हमारी संस्कृति के अनुरूप माननीय वैश्विक नेतृत्व ने अभी यहाँ पर पूजन कर आरती कर इस लोकार्पण कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। अब इसी के अंतर्गत विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सहज ही अपनी भाषा और ऊर्जा के साथ कार्यकर्ताओं को जोड़ते हैं, जिन्होंने कोविड के समय हमें सेवा ही संगठन का मूल मंत्र दिया और ये संदेश दिया कि हम केवल एक राजनीतिक दल नहीं है, हम सामाजिक सरोकारों को भी साथ लेकर चलते हैं और सरकार की योजनाओं को आम जन तक ले जाने के लिए किस तरह पार्टी का सहयोगी हो सकती है और किस तरह हम अपने संगठन का विस्तार कर सकते हैं, ये मूल मंत्र देने वाले और पार्टी सर्वग्राही पार्टी बने ये हमें प्रेरणा देने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रसाद जेपी नड्डा जी से मैं आग्रह करूंगी कि हम सबका मार्गदर्शन करें। आज के इस केंद्रीय कार्यालय के विस्तार के इस लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबके बीच में उपस्थित हम सबके यशस्वी प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जिनका मार्गदर्शन हम सबको हमेशा मिलता रहता है, ऐसे हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे वरिष्ठ नेता जिनका मार्गदर्शन हमको आजीवन मिला, ऐसे हमारे डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, भारत सरकार में मंत्री श्री अमित शाह जी, भारत सरकार में मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, यहाँ उपस्थित सभी मंत्रीगण, सांसदगण,
बड़ी संख्या में हमारे स्थानीय वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, पदाधिकारी बंधु और विभिन्न सभागारों में डिजिटल मीडिया के माध्यम से इस कार्यक्रम में जुटे हुए हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमारे लाखों कार्यकर्ता देश भर के जो जुटे हैं, सबसे पहले इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मैं अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं उनका विशेष अभिनंदन इसलिए करता हूं क्योंकि वह देश के प्रधानमंत्री जरूर हैं, देश का नेतृत्व वह लंबे समय से कर रहे हैं, उनके नेतृत्व का लोहा और थाथी विपक्ष भी मानता रहा है, दुनिया भी मानती रही है, लेकिन हम सब लोगों के लिए यह सौभाग्य की बात है कि उनके दिलों में हमेशा भारतीय जनता पार्टी कैसे आगे बढ़े, कैसे कमल खिले, कैसे हमारी विचारधारा आगे बढ़े, इसका सतत मार्गदर्शन, चिंतन, सहयोग हम सबको मिलता रहता है। मैं जब उनका स्वागत कर रहा हूं तो मैं दो बातें जरूर बताना चाहूंगा। एक, हमें कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम प्रधानमंत्री जी का समय ले रहे हैं। पार्टी की बात के लिए अगर हमने, छोटी बात के लिए भी अगर उनसे हमने विचार करने का मन बनाया तो उन्होंने आगे आकर के हमेशा हर बारीकियों में जाने का प्रयास किया और हमें मदद की। वो प्रधानमंत्री हैं लेकिन संगठन मंत्री उनके दिल में हमेशा बसा हुआ है, ये भी हमको ध्यान में। एक उदाहरण और दूंगा, मैं जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हूं अनेकों पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक हुई है, संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है, चुनाव समिति की बैठक हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने हमें जो संस्कार दिए हैं वो हमको समझने लायक हैं। आज दिन तक कोई भी बैठक प्रधानमंत्री कार्यालय या निवास में नहीं हुई, वो हमेशा दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर हुई है, ये उन्होंने दिया। ये बताता है उनका पार्टी के प्रति प्यार, लगाव, समर्पण, और यह हम कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा सीखने वाली बात है जिसे हमें भी अपने जीवन शैली में उतारना और पार्टी के प्रति समर्पित रहना, यह हमको इसमें से संस्कार मिला। मैं पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को एक बात जरूर कहूंगा कि आपके लिए एक ऐतिहासिक मौका है। आज से 20 साल बाद पार्टी तो बढ़ेगी, आगे तो बढ़ेगी, लेकिन आप ये कह सकेंगे, इसके चश्मदीद गवाह बनेंगे, 20 साल बाद भी आप गौरव से कह सकेंगे कि जिस दिन इसका लोकार्पण हो रहा था उस दिन मैं भी उपस्थित था, ये आपको ऐतिहासिक मौका मिला। मुझे याद है 2014 में नितिन जी ने मुझे जिम्मा दिया था कि 11 अशोक रोड का उसको मॉडिफाई करो, और उसका कार्य हमने शुरू किया था। उस समय हम लोगों ने बहुत ताकत लगा करके उस कार्यालय को बनाया था, और उसमें जो चीज़ हम जोड़ सकते थे उस जगह की कमी को देख, जगह कम होने पर भी उसको हम पूरा कर रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और वो एक चुनाव समिति की बैठक में आए थे। उन्होंने कार्यालय देखा, बड़ी बारीकी से देखा। सब कुछ देखने के बाद उन्होंने कहा, बना तो है लेकिन यह अभी सरकारी भवन में बना है, हमें अपना कार्यालय बनाना है। इसकी बात उन्होंने उस समय प्रेरणा की। और मुझे याद है कि जब 2014 में आप प्रधानमंत्री बनकर के आए तो आपने हम सब लोगों के बीच में इस बात को रखा था, मैं महामंत्री था उस समय, अमित जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, उन्होंने एक कार्यालय में, एक कार्यक्रम में
वो जब उपस्थित हुए तो उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपना कार्यालय बनाना चाहिए, और अपना कार्यालय सिर्फ देश का नहीं बनाना चाहिए, सारे प्रदेश कार्यालय भी बनने चाहिए और हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनना चाहिए। और मुझे खुशी है कि अमित भाई ने एक बृहत योजना बनाई, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा थी उसको साकार करने का संकल्प लिया, और ये तय हुआ कि देश भर में 887 डिस्ट्रिक्ट्स में कार्यालय बनेंगे, उसकी योजना बनी। और मुझे आज प्रधानमंत्री जी को बताते हुए खुशी हो रही है कि 499 यानी 500 में से एक कम कार्यालय बन करके उद्घाटन हो करके लोकार्पित हो गए, 115 कार्यालयों का कंस्ट्रक्शन चल रहा है और 123 कार्यालयों की जमीन और बाकी व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसलिए हमें यह भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी सिर्फ देश को ही आत्मनिर्भर नहीं कर रहे, वह पार्टी को भी आत्मनिर्भर करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ये भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, पार्टी के दृष्टि से सिर्फ हमारा हार्डवेयर बदले, सिर्फ हमारी बिल्डिंगें बन जाएं, यह उद्देश्य प्रधानमंत्री जी का नहीं रहा। प्रधानमंत्री जी ने मूल रूप में पार्टी के अंदर हमारे कार्य करने की शैली में भी, संस्कारों में भी, किस तरीके से हम अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, इसमें उनका विशेष योगदान रहा है। कोरोना की महामारी आई, दुनिया मानती है कि प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके से कोरोना की लड़ाई लड़ी, और दुनिया के नेता मानते हैं कि जो लड़ाई प्रधानमंत्री जी ने लड़ी वो किसी देश ने नहीं लड़ी, यह भी स्पष्ट है। लेकिन उन्होंने उस समय हमें फोन करके कहा कि कोरोना में पार्टी क्या कर रही है, और उन्होंने खुद ये सेवा ही संगठन ये नाम देते हुए क्या क्या आयाम पर हम काम कर सकते हैं, इसकी योजना उन्होंने हम सब के बीच में रखी। और हम सबको मालूम है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ने, राजनीतिक दल ने अकेले ही सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाया, और उसमें किस तरीके से हमने लोगों को भोजन पहुंचाया, राशन पहुंचाया, दवाइयां पहुंचाई, ये सब आप सब लोग जानते हैं, मास्क पहुंचाए, और जो काम हम लोगों ने सीखा भी नहीं था वह भी हमारे लोगों ने सीखा, मास्क बनाना सीखा और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीखा, एक तरीके से सेवा ही संगठन को आगे बढ़ाया गया। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अब भारतीय जनता पार्टी का सेवा सप्ताह यह एक सतत कार्यक्रम बन गया है। उसी तरीके से हम समाज के सभी वर्गों के लिए हैं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमको प्रेरित किया कि हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ें। और आपको मालूम है, आज ही सुबह मैंने सांसदों से चर्चा की कि 6 तारीख को स्थापना दिवस से लेकर 14 तारीख को भीमराव अम्बेडकर जी की जन्म जयंती तक हम सेवा सप्ताह मनाते हैं, और उसमें हम सभी सामाजिक न्याय की लड़ाई की जो विषय हैं उन सबको रखते हैं। उसी तरीके से एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत एक नई प्रेरणा हमको दी। अगर हमारा कोई तमिलनाडु का भाई दिल्ली में है तो हम तमिलनाडु की स्थापना दिवस सिर्फ हम तमिलनाडु में क्यों मनाएं, वह दिल्ली में भी मननी चाहिए, उनको जोड़ना चाहिए, और इस तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों से हमको साथ लाना चाहिए, उसको भी पार्टी ने आगे जोड़ा। उसी तरीके से स्नेह मिलन के कार्यक्रम के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों में काम करने की योजना में उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, जिसको हमने आगे बढ़ाया है। मैं आपसे, आप प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से अब नो बीजेपी, नो मीन्स KNOW, भारतीय जनता पार्टी को जानो, इसकी प्रेरणा आपने दी, और आपको जानकर के खुशी होगी कि इसी दीनदयाल परिसर में 56 से ज़्यादा राजदूत भारतीय जनता पार्टी को समझने के लिए आए हैं, और 5 देशों के विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री भी इस कार्यालय में आए हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक, जिसको कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उस चर्चा को शुरू किया है। आपकी प्रेरणा से हम अब डेलीगेशन पार्टी टू पार्टी दुनिया के सभी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कर रहे हैं। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाता हूँ कि हमारे कार्यालय तो बने हैं, लेकिन कार्यालय में बनने वाले कार्यकर्ता भी सुदृढ़ और अच्छे होकर के
सुसंस्कृत होकर के भारतीय जनता पार्टी की एक जीती जागती तस्वीर बनकर के वो भारत की सेवा करें, इसके लिए हम काम कर रहे हैं। अमित भाई ने एक कल्पना रखी कि हमारा रिसर्च सेंटर होना चाहिए, और जो कल्पना उन्होंने रखी है उसको हम लोग साकार करेंगे। ये दुनिया का वन ऑफ द हाई क्वालिटी विचारों से युक्त, हमारे संस्कारों से युक्त रिसर्च सेंटर बनने वाला है, इसको भी हम आगे बढ़ा रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज़्यादा देर न रहता हुआ मैं पुनः प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूँ। उन्होंने उनका हम सबको मार्गदर्शन मिलेगा, और उनके मार्गदर्शन से जो पार्टी कार्य को आगे बढ़ा रही है उसके बारे में मैंने कुछ चर्चा की। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जो प्रधानमंत्री, और निवेदन नहीं ये निर्देश है, कि हम सब लोग प्रधानमंत्री जी के जो हमको विचार मिलते हैं उसको जमीनी स्तर पर पूरा करने के लिए हम सब तत्पर होंगे, और इस बात का विश्वास मैं प्रधानमंत्री जी को भी देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी, पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी, सभी सम्मानित साथी कार्यकर्तागण, देवी और सज्जनों, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय के विस्तार की देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ।2018 में जब मैं कार्यालय का लोकार्पण करने के लिए आया था तो कहा था कि इस कार्यालय की आत्मा हमारा कार्यकर्ता है। आज जब हम इस कार्यालय का विस्तार कर रहे हैं तो ये भी केवल एक भवन का विस्तार नहीं है, बल्कि ये प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता के सपनों का विस्तार है। भाजपा के सेवा के संकल्प का विस्तार है। मैं पार्टी के उन कोटि कोटि कार्यकर्ताओं के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं पार्टी के सभी संस्थापक सदस्यों को भी सर झुका करके नमन करता हूं। साथियों, आज से कुछ दिन बाद हमारी पार्टी अपना 44वां स्थापना दिवस मनाएगी। यात्रा एक अनथक और अनवरत यात्रा है। ये यात्रा परिश्रम की पराकाष्ठा की यात्रा है। ये यात्रा समर्पण और संकल्पों की शिखर की यात्रा है। ये यात्रा विचार और विचारधारा के विस्तार की यात्रा है, और ये यात्रा, ये विस्तार अपने आप में बहुत ही प्रेरणादायी है। आपको याद होगा, भारतीय जनसंघ ने दिल्ली के अजमेरी गेट के पास एक छोटे से ऑफिस से अपनी यात्रा शुरू की थी। उस समय हम देश के लिए बहुत बड़े सपने देखने वाले
छोटी सी पार्टी थे, सपने बड़े थे, दल छोटा था। 1980 में जब भाजपा का जन्म हुआ तब कुछ समय के लिए 10 राजेंद्र प्रसाद मार्ग पार्टी का ऑफिस बन गया था और उसी जगह पे पहले अपने नानाजी देशमुख रहते थे। बहुत से कार्यकर्ताओं को 11 अशोका रोड पार्टी ऑफिस के रूप में याद होगा। इसके भी काफी समय बाद पार्टी ऑफिस दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर शिफ्ट हुआ। एक तरह से हमारी पार्टी की प्रगति का प्रतीक है। इस दौरान कितने ही उतार चढ़ाव आए, हम तो वो दल है जिसने इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए खुद अपने दल को ही देश हित में आहूत करने पर हमने हिम्मत के साथ कदम उठाया। फिर सन 84 में जो हुआ, देश कभी भी उस काले पृष्ठ को भूल नहीं सकती है। और उसके बाद जो चुनाव हुआ, कांग्रेस को ऐतिहासिक बहुमत मिला था। भावनाओं से भरा हुआ वो माहौल, एक इमोशनली चार्ज एटमॉस्फियर, और उस आंधी में हम भी लगभग पूरी तरह से खत्म हो गए थे। लेकिन हम हताश नहीं हुए, हम निराश नहीं हुए। हमने किसी और में दोष ढूंढने की कोशिश नहीं की। आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में हम नहीं पड़े। हम चले गए फिर एक बार जनता जनार्दन के बीच। हमने जमीन पे काम किया, हमने अपने संगठन को मजबूत किया और तब जाकर आज हम यहां पहुंचे हैं। दो लोकसभा सीटों के साथ शुरू हुआ सफर 2019 में 303 सीटों तक पहुंच गया। आज कई राज्यों में हमें 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। आज उत्तर से दक्षिण तक, पश्चिम से पूरब तक भाजपा एकमात्र पैन इंडिया पार्टी है। परिवार के कब्जे वाली पार्टियां, फैमिली रन पार्टियों के बीच भाजपा ऐसा राजनीतिक दल है जो युवाओं को आगे आने के लिए बहुत अवसर देता है, खुला मैदान देता है। आज भारत की माताओं, बहनों, बेटियों का आशीर्वाद जिस पार्टी के साथ है, उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। और साथियों, आज भाजपा केवल विश्व की सबसे बड़ी पार्टी नहीं है, बल्कि भाजपा भारत के सबसे फ्यूचरिस्टिक पार्टी है। हमारा एक ही लक्ष्य है, भविष्य के आधुनिक और विकसित भारत का निर्माण करना। और इसलिए हमें खुद अपने लिए भी
भविष्य के लक्ष्य निर्धारित करने ही होंगे। इसके लिए हमारे पास आधुनिक सोच भी होनी चाहिए, आधुनिक संसाधन भी होने चाहिए। हमें भाजपा को एक ऐसी संस्था के रूप में विकसित करना है जिसके पास अगले 10 साल, 20 साल, 50 साल के लक्ष्य निर्धारित है। इसके लिए तीन बातें हर कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता, हर भाजपा सदस्य के स्वभाव में होना समय की मांग है, देश की जरूरत है। वो तीन बातें क्या है? एक है अध्ययन, दूसरा है आधुनिकता और तीसरा है विश्व भर से अच्छी बातों को आत्मसात करने की शक्ति। हम आप जानते हैं कि पंडित दीनदयाल जी जहां कहीं जाते थे किताबें उनके साथ रहती थी, वो प्रवास में भी पढ़ते लिखते रहते थे। उनकी रचनाएं, उनके अध्ययन और बौद्धिक विस्तार की गवाह है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अपने घर में तो हजारों किताबें थी। भाजपा कार्यालय की नई बिल्डिंग पार्टी की उस परंपरा का एक केंद्र बनेगी और बननी चाहिए। यहां अध्ययन की व्यवस्था भी है, आधुनिकता भी है और विश्व भर का अनुभव प्राप्त करने की आकांक्षा भी है। मुझे विश्वास है भाजपा का ये आधुनिक कार्यालय निरंतर इन सपनों के लिए, इन संकल्पों के लिए, इस अदम्य इच्छा और उमंग के लिए अविरत प्रेरणा का स्रोत बनेगा। साथियों, हम भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए एक गर्व की बात है कि हम सब जिस दल में काम कर रहे हैं, जिस दल के आचार, संस्कार और विचार ने हमें गढ़ा है, उस दल की और उसके कार्यकर्ताओं की आज विश्व भर में चर्चा हो रही है। आज बीजेपी की पहचान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दल के तौर पर होने लगी है। आज भाजपा की तुलना दुनिया की उन ऐतिहासिक पार्टियों से होने लगी है जिन्होंने अपने शासनकाल में अपने देश का भाग्य बदल दिया था। ये समय बीते 4-5 दशकों में भाजपा कार्यकर्ताओं के त्याग और तपस्या की वजह से आया है। ये समय भाजपा सरकार के विकास के कार्यों की वजह से आया है। बीजेपी वो दल है जो भारत के महत्व को, भारत के सामर्थ्य को सशक्त करने के एक ही संकल्प को लेकर के चल रहा है। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ये देखकर खुशी होती है कि दुनिया के कई सारे ऐसे नेता, वो हमारी भाषा से परिचित नहीं है लेकिन फिर भी वो ये सबका साथ, सबका विकास मंत्र दोहराने का प्रयास करते हैं। वो अपनी भाषा में उसका अनुवाद भी करते हैं। साथियों, आज हमारा नॉर्थ ईस्ट
सबका साथ सबका विकास के मंत्र का बेहतरीन उदाहरण है। नॉर्थ ईस्ट की आबादी में बहुत विविधता है, वहां अलग अलग समुदायों के लोग हैं, आदिवासी और विधायी समुदाय के लोग बहुतायत है। इस क्षेत्र के लोग भाजपा पर अभूतपूर्व विश्वास दिखा रहे हैं। आज नॉर्थ ईस्ट में भाजपा के 4 मुख्यमंत्री हैं, 2 अन्य राज्यों में हमारे गठबंधन की सरकारें हैं। इस सफलता का बड़ा श्रेय भाजपा के कार्यकर्ताओं को ही जाता है। भाजपा कार्यकर्ताओं के इसी परिश्रम की वजह से आज दक्षिण भारत में भी दूर दूर तक पार्टी का विस्तार हो रहा है। कर्नाटका में भाजपा इतने वर्षों से मजबूत स्थिति में है, आज भी हम नंबर 1 पार्टी है कर्नाटका में। तेलंगाना में भी लोगों का एकमात्र भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा है। आंध्र प्रदेश में लोगों का भाजपा पर विश्वास दिनों दिन बढ़ता चला जा रहा है। तमिलनाडु और केरला में भाजपा हर जिले में हर बूथ पर दिनों दिन मजबूत हो रही है। एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ हो रहा भाजपा का यह विस्तार हमें सीटों के मामले में और वोट शेयर के मामले में सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। लेकिन साथियों, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूं, भाजपा को केवल उसकी प्रेजेंस और प्रभाव से नहीं समझा जा सकता है। भाजपा को जानने के लिए उसके स्वभाव को भी समझना जरूरी है। और भाजपा का स्वभाव है नूतनता, आधुनिकता। नूतनता हमारी निष्ठा है और आधुनिकता हमारी अवधारणा है। इसलिए बीजेपी केवल चुनाव लड़ने और जीतने के सीमित नहीं है। बीजेपी एक व्यवस्था है, बीजेपी एक विचार है, बीजेपी एक संगठन है, बीजेपी एक आंदोलन है। बीजेपी विकास की भी प्रेरणा शक्ति है और बीजेपी बदलाव की भी प्राण शक्ति है। बीजेपी ने सियासत की सोच को बदला है और समावेश के नए मानकों को जन्म दिया है। और इसका एक उदाहरण है भाजपा का सदस्यता अभियान और इसके माध्यम से पार्टी का विस्तार। एक समय था जब हम राज्यों में राज्य स्तर की कमेटी बन जाए तो हम सोच रहे थे कि चलिए उस राज्य में झंडा गाड़ दिया। फिर थोड़ा समय और बीता, कार्यकर्ताओं ने परिश्रम किया, फिर हम हिसाब लगाने लगे कि भाई कितने जिले हैं जहां कमेटी बनी है, कितने जिलों में कमेटी बाकी है, कब पूरा करेंगे। फिर हम एक कदम आगे चले, फिर हम सोचने लगे चलो जिले तो हो गए, बताओ भाई कितने तहसील में कमेटियां बनी हैं, कितने ब्लॉक लेवल पर कमेटियां बनी हैं। फिर शक्ति केंद्र आया, फिर बूथ पर फोकस हुआ और आज हम पन्ना प्रमुख तक पहुंच गए। भाजपा पहली पार्टी है
जिसने पार्टी की व्यवस्था में संवैधानिक रूप से महिलाओं के लिए पद की व्यवस्था की है संविधान के तहत। भाजपा पहली ऐसी पार्टी है जो अपने कार्यकर्ताओं को नए अवसर देने के लिए निरंतर तत्पर रहती है। हमने पार्टी की कमिटियों में हर बार 25% नए लोगों को लाने की व्यवस्था शुरू की है। हम कार्यकर्ताओं की इसी ताकत से सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन हम भले ही सत्ता के शिखर पर पहुंचे हो, लेकिन हमारे पांव आज भी उतने ही जमीन पर हैं जितने 1980 में हुआ करते थे। भाजपा में ऐसे कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी फौज है जो कष्ट उठाकर, परेशानी झेलकर, कर्तव्य भावना से लगातार देश सेवा में जुटे रहते हैं। हम जहां भी काम करते हैं सामूहिकता की भावना से काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं। भाजपा वो पार्टी है जिसमें मुक्त चिंतन होता है, नए विचार सृजित होते हैं, नए विचारों का सम्मान होता है। चिंतन और अध्ययन करने वाले एक बहुत बड़ा वर्ग हमारे भाजपा परिवार का विशाल विस्तार है, हिस्सा है, वटवृक्ष की भांति है। भाजपा वो पार्टी है जिसमें समाज के अलग अलग वर्गों को प्रतिनिधित्व देने के लिए प्रभावी और क्रियाशील मोर्चे और कमेटियां हैं। भाजपा में हर मोर्चा अपनी सामाजिक भूमिका में सक्रिय भी होता है, प्रभावशाली भी होता है। साथियों, भाजपा की एक और विशेषता है कि हमारी पार्टी समाज के साथ जुड़कर के काम करती है। भाजपा में समाज की सेवा के माध्यम से कार्यकर्ताओं को गढ़ा जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल भाजपा सांसद अपने क्षेत्र में खेल प्रतियोगिताएं करा रहा है। इनके आयोजन में बड़ी जिम्मेदारी भाजपा के वहां के स्थानीय कार्यकर्ता ही निभा रहे हैं। इसमें देश के लाखों युवाओं को भाग लेने का मौका मिल रहा है, हजारों युवाओं को पदक मिल रहे हैं, उनके लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं, और हमें भी क्षेत्र के सामर्थ्य का परिचय होता है। इसी तरह कहीं कोई प्राकृतिक आपदा हो, समाज के सामने कहीं कोई चुनौती आए, या फिर रक्तदान जैसे समाज सेवा से जुड़ा अभियान हो, भाजपा के कार्यकर्ता सबसे पहले पहुंचते हैं और सबसे आखिरी तक मोर्चे पर डटे रहते हैं। अभी अध्यक्ष जी बता रहे थे कोरोना के दौरान हमारी पार्टी के लोगों ने कैसे घर घर जाकर मुफ्त राशन और इलाज पहुंचाने में मदद की, और तब तो पता नहीं था कि जाएंगे तो क्या लेके आएंगे। अगर बीमारी घर में लाए तो जिंदगी खतरे में पड़ जाती थी, फिर भी ये भाजपा का कार्यकर्ता है जो हर घर जाता था। आज भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं का समाज के साथ जो भावात्मक संबंध है, वो आपको
किसी और राजनीतिक दल में नजर आएगा कि नहीं आएगा ये मैं कह नहीं सकता। साथियों, जब हम समाज की सेवा के लिए अपना जीवन खपाते हैं तो सरकार बनाने का अवसर मिलने पर भी ये हमारी प्राथमिकता होता है। इसलिए ही आज पूरे भारत में भाजपा सरकारें आकांक्षा, विकास और प्रगति का पर्याय बन रही है और ये भाजपा का ब्रांड ऑफ गवर्नेंस है। जहां भी भाजपा की सरकार है वहां गरीब कल्याण के लिए योजनाएं तेज गति से चलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें वहां युवा शक्ति को आगे बढ़ने के लिए नए अवसर बनते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां योजनाओं में महिला सशक्तिकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलने लगती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो जाती है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग के प्रयास बढ़ने लगते हैं। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास होना शुरू हो जाता है। जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलते हैं। साथियों, मैं समझता हूं अब समय आ गया है कि हमारी यूनिवर्सिटीज, एकेडमिशियंस और एक्सपर्ट्स भारत के पिछले 75 साल के अलग अलग गवर्नेंस मॉडल्स की कंपैरेटिव स्टडी करें, एनालिसिस करें, देश और दुनिया के सामने रखे। देश ने लंबे समय तक कांग्रेस का एक गवर्नेंस मॉडल देखा है, देश ने कम्युनिस्टों का भी कुछ राज्यों में गवर्नेंस का मॉडल देखा है, देश ने परिवारवादी फैमिली रन पार्टियों के काम करने का तरीका भी देखा है, अलग अलग गठबंधनों की सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देश ने देखा है। और देश आज पूर्ण बहुमत वाली भाजपा सरकारों का गवर्नेंस मॉडल भी देख रहा है। एक निश्चित पैरामीटर्स के साथ जब इसकी एनालिसिस होगी तो गवर्नेंस के मॉडल का महत्व समझ में आएगा। देश के सामान्य मानवी को भी पता चलेगा कि गवर्नेंस के किस मॉडल ने देश को क्या दिया, उसके परिणाम क्या निकले और उनके लिए क्या बेहतर रास्ता है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता को एक बात समझना बहुत आवश्यक है। देश इस समय जिस कालखंड से गुजर रहा है वो तेज विकास के लिए बहुत अहम है। ये अमृतकाल ये सिर्फ शब्द समूह नहीं है, ये धरती की सच्चाई है। 140 करोड़ देशवासियों की दिलों की धड़कन है। आज हम सबसे युवा देश है, आत्मविश्वास से भरे हुए देश है। पूरे विश्व में दुनिया के बड़े बड़े मंचों पर आज अगर किसी का डंका बज रहा है तो नाम है हिंदुस्तान, वो नाम है भारत। ऐसे में देश के भीतर बैठी और देश के बाहर बैठी भारत विरोधी शक्तियों का एकजुट होना स्वाभाविक है। ये शक्तियां किसी भी तरह भारत से विकास का एक कालखंड छीन लेना चाहती हैं। आज भारत का सामर्थ्य अगर फिर बुलंदी की तरफ जा रहा है तो इसके पीछे हमारी एक मजबूत नींव है। ये नींव हमारी संवैधानिक संस्थाओं की है,
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की है। इसलिए आज भारत को रोकने के लिए हमारी इस नींव पर चोट की जा रही है, संवैधानिक संस्थाओं पर प्रहार किया जा रहा है, उन्हें बदनाम करने का अभियान छेड़ा जा रहा है, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता खत्म करने की साजिश की जा रही है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर जब एजेंसियां कार्रवाई करती हैं तो एजेंसियों पर हमला किया जाता है, जब कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल उठाए जाते हैं, न्यायिक प्रणाली पर हमले होते हैं। आप सब देख रहे हैं, कुछ दलों ने मिलकर भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान छेड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार में लिप्त जितने भी चेहरे हैं वो सब एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं, पूरा देश ये देख रहा है, देश समझ रहा है। साथियों, भ्रष्टाचार ने हमारे देश का बहुत नुकसान किया है, दीमक की तरह देश को खोखला किया है भ्रष्टाचार ने। देश की जनता देख रही है कि पहले की सरकारों ने किस तरह भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर केवल खानापूरी की थी, लेकिन पिछले 9 साल में भाजपा सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसने आज भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों दोनों की जड़ें हिला दी है। ये इस बात का प्रमाण है कि जब भाजपा आती है तो भ्रष्टाचार भागता है। मैं आपको कुछ आंकड़े बताना चाहता हूं। आज प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी पीएमएलए के तहत कांग्रेस की सरकार में यानी साल 2004 से 2014 के बीच 5000 करोड़ रुपए के आसपास की संपत्ति जब्त की गई थी, 5000 करोड़। इसी एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में भाजपा सरकार ने 1,10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। इस एक्ट के तहत पहले के मुकाबले 2 गुने से ज्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं और 15 गुना ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हमारे यहां कुछ लोगों ने कांग्रेस शासन के दौरान बैंकों को जमकर के लूटा, बैंकों का करीब 22,000 करोड़ रुपए का नुकसान करके ये लोग विदेश भाग गए। आज भाजपा सरकार ने इन लोगों की करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त करवा दी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत पिछले 9 वर्षों में सीबीआई ने लगभग 5,000 केस दर्ज किए हैं। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे हुए सैकड़ों बड़े अधिकारियों को संविधान दिखाया, सरकार के नियम दिखाए और उनको जबरन रिटायर किया गया है, घर भेज दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई चल की गई है। साथियों, आजादी के 7 दशकों में पहली बार भ्रष्टाचार पर
इस तरह की चोट हो रही है। पूरे देश की जनता आज भ्रष्टाचारियों पर हो रही कार्यवाही से खुश है, आपकी यही जानकारी है ना। मैं जहां जाता हूं लोग यही कहते हैं, मोदी जी रुकना मत। आज हर देशवासी समझता है भ्रष्टाचार रुकेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। और जब हम इतना सारा करेंगे तो कुछ लोग तो नाराज होंगे ही होंगे। वो अपना गुस्सा भी निकालेंगे, लेकिन इनके झूठों आरोपों से न देश झुकेगा न भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्रवाई थमने वाली है। साथियों, आपको याद होगा कांग्रेस के नेता कभी कहा करते थे, जनसंघ के जमाने में बड़े बड़े नेता कहते थे, जनसंघ को जड़ से उखाड़कर फेंक देंगे। ये उनके बड़े बड़े नेता बोलते थे जी। और आज की कांग्रेस कहती है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जनसंघ को मिटाने की, भाजपा को मिटाने की अनेक बार साजिशें हुई। और ये तो वो लोग हैं जिन्होंने मुझे भी जेल में डालने के लिए क्या क्या जाल नहीं बिछाई, लेकिन वो पूरी तरह नाकाम रहे। और हम बचे हैं, हम फले हैं फूले हैं तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद से, देशवासियों के प्यार से बढ़े। देशवासियों का अपार प्रेम, यही तो हमारी पूंजी है, यही हमें समर्थन देता है, यही हमें शक्ति देता है। देशवासियों के आशीर्वाद से हम आगे बढ़े हैं, बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही रहेंगे। आगे बढ़ेंगे वो भी देशवासियों के विश्वास से बढ़ने वाले हैं। साथियों, भाजपा ये वो पार्टी नहीं है जो अखबारों से टीवी स्क्रीन की चमक से पैदा हुई हो। ये भाजपा ट्विटर हैंडलों और यूट्यूब के चैनलों से पैदा नहीं हुई है। ये भाजपा अपने कार्यकर्ताओं के त्याग तपस्या से बनी हुई है। भाजपा जमीन पर काम करके आगे बढ़ी है। भाजपा गांव में, खेत खलिहानों में गरीबों के साथ कंधा से कंधा मिलाकर तप करके आगे बढ़ी है। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, अरे मोदी जी अब सत्ता मिल गई, दो दो बार प्रधानमंत्री बन गए, अभी भी क्यों इतना दौड़ते रहते हो, क्यों भागते रहते हो, अरे कभी तो मौज करो, आराम करो। लेकिन उन लोगों को पता नहीं है बीजेपी कार्यकर्ता की नियति आराम करना, बैठना, मौज करना वो नहीं सकता। भाजपा के कार्यकर्ता के लिए देश की आशाएं, लोगों की आकांक्षाएं, उनके सपने ही
उसकी ड्राइविंग फोर्स होती है। इसी के लिए भाजपा कार्यकर्ता दिन रात दौड़ता है, भागता है, काम करता है, वो रुकता नहीं है, थकता नहीं है, झुकता भी नहीं है। लेकिन साथियों, हमें याद रखना है, हमारी ये लड़ाई आसान नहीं है। भाजपा को डगर डगर पर भ्रष्टाचार से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भाई भतीजावाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर संप्रदायवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर जातिवाद से लड़ना है। भाजपा को डगर डगर पर भारत विरोधी विदेशी ताकतों और उनके इकोसिस्टम से लड़ना है, क्योंकि यही वो चुनौतियां हैं जिन्होंने देश का बहुत बड़ा नुकसान किया है, बहुत समय तक नुकसान किया है। साथियों, बहुत सौभाग्य से, अनेकों के त्याग तपस्या से हमें आजादी के अमृत काल में राष्ट्र की सेवा करने का, राष्ट्र निर्माण करने का अवसर मिला है। हम भारतीयों ने मिलकर 2047 तक, जब आजादी के 100 साल मनाएंगे तब तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। आजादी के अमृत महोत्सव से लेकर आजादी के 100 वर्ष तक देश की इस यात्रा में प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को जी तोड़ मेहनत करनी ही करनी है। हमारे कार्यकर्ताओं को लंबी पारी के लिए तैयार करना चाहिए। दल को बनाने में जिस तरह अनेक पीढ़ियां खप गई, उसी तरह देश को आगे बढ़ाने के लिए हमें भी अपनी पीढ़ियों को खपाना होगा। साथियों, मैं आपको फरवरी 2018 में इसी कार्यालय में कही हुई अपनी एक बात को आज याद दिलाना चाहता हूं। 2018 में इसी भवन का लोकार्पण करते हुए मैंने कहा था कि कार्यालय हमारी कर्मभूमि है, लेकिन भारत की सीमा ही हमारे कार्यों की सीमा है। हमें इस भवन से ऊर्जा लेकर संपूर्ण भारत की सीमा को ही अपना कार्यक्षेत्र बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है आप सब इसी तपस्या के साथ देश के सपनों को साकार करते रहेंगे। जो सपना हमने पहले देखा था, उसे हम आज पूरा होता देख रहे हैं। जो सपना हम आज देख रहे हैं, वो भविष्य में पूरा होकर रहेगा। इसी विश्वास के साथ आज के इस मंगल अवसर पर और नवरात्रि के पावन त्योहारों के बीच मैं आप सबको, देशवासियों को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 मातरम।